संशोधन कानून जो भारत सरकार ने कल लागू किया, इसका पोर्टल जो है वो जारी कर दिया। वैसे तो ये कानून जो है 2019 में जो है वो पारित हो गया था, लेकिन जो शाइन बाग के अंदर जो देशद्रोही ताकतें वहाँ महीनों टेंट लगाकर बैठी रही, जिन्होंने देश के अंदर देश का माहौल खराब करने का काम किया, उसके बाद सरकार ने इसको होल्ड भी किया और लोगों को समझाने के लिए 4 साल का लंबा अंतराल लिया, समय लिया कि इसके अंदर किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन उन प्रताड़ित लोगों को जो है वो नागरिकता दी जाएगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर प्रताड़ित हुए, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर क्या परिस्थितियां रही हैं, ये आप सभी भलीभांति जानते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यक समाज का क्या हुआ, किस प्रकार से उनकी संख्या जो है वो घटती गई, आज वो कितने परसेंटेज रह गए और वो पहले कितने थे, ये सारी चीजें उनको बचाने का काम जो है, उनको बचाने का बीड़ा जो है वो केंद्र सरकार ने लिया। 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग इन देशों से भागकर जो है वो भारत के अंदर शरणार्थी हुए, भारत के अंदर आए, उन सभी को जो है भारत सरकार नागरिकता देने जा रही है। यह बड़ी खुशी का पल है, क्योंकि ज्यादातर वहां पर शरणार्थी जो थे वो हिंदू थे, क्योंकि 35,000 के करीब करीब हिंदू जो है वो शरणार्थी होकर भारत में आया और अब उनको नागरिकता दी जा रही है। 6,000 के करीब सिख कम्युनिटी के लोग आदर तकरीबन 100 के करीब है, लेकिन सिख और हिंदू सबसे ज्यादा प्रताड़ित होकर वो पलायन करके भारत के अंदर आए, अब उनको नागरिकता मिलने जा रही है। बड़ा खुशी का पल है, धन्यवाद करते हैं हम केंद्र सरकार का कि केंद्र सरकार ने इतना अच्छा बीड़ा जो है वो उठाया।